विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भाजपा की प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक स्थानीय विश्राम गृह में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रभारी मंगल पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, सांसद अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि भाजपा चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने इसमें भाग लिया। बैठक में आने वाले चुनावों के दृष्टिगत भाजपा के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने पर गहन चिंतन किया गया और इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के दावेदारों की लिस्ट पर समिति को जानकारियां मुहैया करवाई। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा, सतपाल सत्ती ने बताया कि इस बैठक में सभी प्रत्याशियों के ऊपर विचार विमर्श किया गया और अंतिम फैसला एक सप्ताह के बाद आगामी बैठक होगी। उसमें विचार विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को लेने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक एक सप्ताह के अंदर फिर की जाएगी, जिस पर इन चुनावों में किन किन उम्मीदवारों को टिकट देना है उस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। उन्होंने कहा कि दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी है और उन्होंने हर जगह हर कार्यक्रम में देखा और परखा है कि कौन सा प्रत्याशी टिकट का दावेदार है, इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरह आवेदन करने की या पैसे देने की जरूरत नहीं है। सतपाल सत्ती ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस बार कोई बगावत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोकसभा चुनाव तक उसे पार्टी में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना 50 प्लस का टारगेट पूरा करेगी, उसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाए ताकि वे अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सकें। पार्टी में लोकतंत्र है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हम पूरे प्रदेश में 5 सालों से लोकतंत्र ही फैला रहे हैं घूम घूम के और सबको हम जानते हैं कि कितना कार्यकर्ता कौन कितने पानी में, तो अपना आवेदन तो कोई भी दे सकता है लेकिन आंकलन करना प्रदेश के नेताओं का काम है, वो हमने किया और हमको घर बैठ करके फाइनल नहीं कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में खाक छानी है हमने 5 सालों में। जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता कहेंगे वो फाइनल होगा। बगावत वाले की इस बार अंतिम बगावत होगी और लोकसभा के चुनावों में किसी को भी दोबारा नहीं लिया जाएगा। जब भी लोकसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय भी नहीं हम किसी को लेंगे। अच्छा, आज कांग्रेस जो आने वाला चुनाव है उससे संबंधित जी, और उस चुनाव से संबंधित बहुत से नामों पर हर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा भी हुई है। उस चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए चुनाव समिति आने वाले कुछ दिनों में दोबारा मिलेगी। आगे पैनल बनना, सिंगल करना, क्या करना, कैसे करना, तो आज काफ़ी नाम हर जगह पर हर लीडर्स के माध्यम से अच्छे फीडबैक के माध्यम से आए हैं, क्योंकि हर पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले सब लीडर्स जहाँ पर थे, सभी MPs थे, तीनों जनरल सेक्रेटरी थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे और सीनियर लीडर्स यानी धूमल जी, शांता जी, नड्डा जी, ये सब लोग थे और प्रभारी जी, तो वो काफ़ी कुछ आई हैं बातें। अब आगे उसके लिए दोबारा बैठेंगे तो उस समय